हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप सभी लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूं और आप सभी लोगों की बातें मैं सुन रहा हूं, लेकिन एक अभी प्रॉब्लम आई है यूपी टेट में, यूपी टेट के फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर के मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सीटेट को लेकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि कल एक वीडियो बनाया गया है, उसके बाद भी जो बच्चे हैं काफ़ी मतलब परेशान हो रहे हैं। तो आपको ये सूचना देनी है कि देखिए, ये 2019 की जो है वो मार्कशीट है, ठीक है, जिसमें कि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने जिनका अपियरिंग था 2018 से 2020, ठीक है, तो इन्होंने 2019 में फॉर्म फिल किया था, ठीक है। ये देखिए 2019 में इन्होंने फॉर्म फिल किया था, एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था और 2019 में ही इन्होंने फॉर्म फिल किया था, और देखिए डिजी लॉकर से ये वेरीफाइड भी है, ओके, और रिजल्ट इस टाइम को आया था। तो ये मान के चलिए, अगर आप 2018 और 2020 को लेकर के अगर आपका सीजन है, तो आप 2020 फॉर्म भरेंगे अपना पासिंग ईयर, और अगर आपका 2019 से 2021 हो तो आप 21 बार भरेंगे पासिंग ईयर, हालांकि 20 नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों का 2020-21 है और जिन लोगों का 2000 क्या नाम, लेकिन जो 2000 उसमें दिया हुआ है अपेयरिंग का, ठीक है, जिन लोगों का अपेयरिंग का बोला जा रहा है, तो वो अपेयरिंग 21 और 22 वालों के लिए ही अपेयरिंग है, ठीक है, पास्ट वालों का अपेयरिंग नहीं है, ठीक है। पास्ट वाले अगर पास्ट 2020 में पास हैं तो अपना 2020 भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपेयरिंग वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए 21 और 22 दिया है। तो 21 उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और अब अपेयरिंग में है, और 22 उन लोगों के लिए है जिन लोगों का प्रमोटेड हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 22 है, क्योंकि उनका सीजन क्या है 2018 से लेकर 2020 से लेकर के 22 है उनका, और जो 2019 में हुए थे, ठीक है, उनका 2021 है। तो जो 21 वाले हैं वो 21 भरेंगे सीजन के, और जो 22 वाले सीजन के हैं वो 22 भरेंगे, ठीक है। इसीलिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भी मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2019 में फॉर्म कैसे भरा गया था और उसके कोड क्या भरे गए थे, ठीक है। देखिए ये है 2019 का फॉर्म, ठीक है, 2019 के फॉर्म में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए इन्होंने भरा था ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जबकि ये अपियरिंग में थे। तो अगर हम बात करें कि आपको फॉर्म में 2020, जैसे कि मैंने आपको बताया जिनका सीजन 2018 और 2020 का था, उन लोगों ने 2020 में उनका क्वालिफाई हो गया होगा, तो वो 2020 भरेंगे और अपियरिंग नहीं, वो पास्ट भरेंगे, और जिन लोगों का 2019 और 21 था वो 21 भरेंगे अपियरिंग, और जिन लोगों का 2020-22 था वो 22 अपियरिंग भरेंगे। वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि जो हमारे ये एक मित्र हैं उनका जो बीएड हुआ है, उन्होंने वो 2018 और 2020 था, ठीक है, और जबकि उनका रिजल्ट भी फर्स्ट ईयर का नहीं आया था, तो आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मार्कशीट भी आ गई, मैंने आपको मार्कशीट भी दिखा दी है, तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, आप अपना फॉर्म जो प्रमोटेड छात्र हैं वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।